चुन्नी के रसोई में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक आलू की मसालेदार सब्ज़ी। उसमें मैंने एक मुट्ठी पालक लिया है, 5 आलू लिया है, 2 प्याज लिया है, 1 टमाटर लिया है, 3 हरी मिर्च लिया है, लहसुन और अदरक 1-1 चम्मच, और उसके बाद ये नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। अब मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें तेल डालूंगी। मैंने इसमें डाल दिया है, अब मेथी पक चुका है। अब मैं पहले इसमें प्याज डालूंगी। अब मैं इसमें पहले प्याज डालूंगी। थोड़ा लाल हो जाने पर अभी ये मेरा बिरयानी लाल हो चुका है। अब इसमें मैं पहले टमाटर डालूंगी, टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर थोड़ा पक जाने पर ये टमाटर और बिरयानी थोड़ा गल चुका है। अब इसमें पहले डालेंगे लहसुन अदरक। हम लहसुन अदरक डालने के बाद ये सारे मसाले को डाल लेंगे, नमक, धनिया, मिर्च। सारा मसाला पक जाएगा। इसी तरह से चलाते रहें ताकि इसमें मसाला न भरने पाए। जब थोड़ा तेल छूटने लगे आलू डाल दें। मसाले में छूट रहा है, अब मैं डालूंगी आलू। आलू कटा हुआ डाल दिया, भूनना है। आलू भुना चुका है, अब इसमें मैं पालक डाल रही हूँ। पालक डालने के बाद इसे थोड़ी देर पकने दूंगी। हल्का पानी डालना है, थोड़ा सा पानी डालना, डाल के इसे ढक दूंगी। अब इसे हाई फ्लेम में रख दिया है, थोड़ी देर के बाद ये तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाने के बाद ये मेरा मसालेदार पालक सब्जी तैयार हो चुका है। अब मैं इसे फ्लेम बंद करूंगी। अब सर्व कर दिया है।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।